टूंडला के स्टेशन रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार टैंकर ने साइकिल सवार छात्राओं को रौंद दिया, जिनमें से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं दूसरी घायल हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे थाना टूंडला क्षेत्र के गांव बागई निवासी 15 वर्षीय पूनम पुत्री बालकिशन अपनी सहेली 15 वर्षीय महादेवी पुत्री विद्या राम के साथ साइकिल से टूंडला कोचिंग पढ़ने आ रही थी। तभी स्टेशन रोड पर टैंकर ने बच्चियों को रौंद दिया, जिसमें पूनम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महादेवी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल को FH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों का कहना था कि शुक्रवार को टूंडला में लगने वाले बाजार के कारण सड़क पर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफी असुविधा होती है, वहीं भीड़ भाड़ भी रहती है। वहीं पुलिस का भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं है, जिसके चलते इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। नगर वासियों ने स्टेशन रोड पर लगने वाले शुक्रवार बाजार को बंद कराए जाने की मांग की है। अब्दुल जी, ये क्या घटना हुई है यहाँ पे? दो लड़की थी और वो साइकिल पे आ रही थी और बाजार के लिए आ रही थी और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी भीड़ थी और ट्रक के नीचे आ गई और एक की तो मतलब मृत्यु हो गई और एक पर अस्पताल ले गया है। बाकी तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। राहुल, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? ये लड़कियाँ आ रही साइकिल पे, गाँव जा रही है अपने घर पढ़ने के लिए, तो जे बागी अपने गांव जा रही, तो एक्सीडेंट हुआ है आगे टैंकर हो मारे, वो एक्सीडेंट हुआ भागो वो ड्राइवर। छोटे बच्चियों के? छोटे। कहाँ पे भेजी हैं? एक जनरल हॉस्पिटल ले गए दोनों। जेड एच में।